भाई साहब क्या बेहतरीन व्यू, आई थिंक वी हैव अराइव्ड। 7.5 मीटर ब्रिनवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज राइट ओवर हेयर। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया होगा। Assalamualaikum YouTube, I hope you guys are doing fine. Welcome back to another vlog of mine. तो आज मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ हूँ यहाँ पे। He also has a YouTube channel और ये बाइक की भी अपनी YouTube channel है। इनकी चैनल का नाम सोलो ट्रिपर है और इन बाइक की चैनल का नाम द पैसेंजर है। चेकआउट बोथ ऑफ दीस टाइमलाइंस। तो आज हम लोग जा रहे हैं ब्रनवर चाउडोरा, राइट? ब्रनवर चाउडोरा हम लोग जा रहे हैं एंड आई विल फॉलो देयर लीड क्योंकि मुझे रास्ता बिल्कुल भी मालूम नहीं है। दिस इज द सेम रोड जो कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाता है, बट हम लोगों को आगे से एक जगह पे राइट लेना है जो कि जाता है बड़गाम की तरफ, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की तरफ। फाइनली माउंटेन्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइज यहाँ से अब 7 किलोमीटर रहता है चाडोरा और फिर चाडोरा से थोड़ा सा और दूर पे वो जगह है जहाँ पे हमें जाना है। في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس كل أوامر تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. Look at these cute cute beedus. These cute cute beedus. बस कोई बेड़ू मेरी छाया के नीचे ना आ जाए या मैं किसी बेड़ू के नीचे ना आ जाऊं, दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं। ओके تحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين Look at this beautiful river bro. गाइज हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है, तो ये वो रास्ता है जो बडुआप की तरफ जाता है। दिस इज द वे विच गोज टूवर्ड्स बडुआप। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है भाई, यहाँ पे तो कुत्ते हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस कुत्तेज। हवा भी चल रही है और मेरे साथ नज़ीर भाई एंड फरहान भाई। फरहान भाई मेरे सामने है और उसके आगे नज़ीर भाई हैं। वेरी नाइस पीपल, आई मेट दिस गाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। मेक श्योर कि आप लोग इन दोनों की चैनल्स को एक बार ज़रूर चेकआउट करें। रोड फील्स दैट द रोड इज स्लिपरी, थोड़ा बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा भाई हम लोगों को, बट अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस इज एब्सोल्युटली ऑसम। Feels really very nice. काफी खूबसूरत विलेज है, very beautiful. Seems very peaceful as well. Unfortunately, सभी लोग अभी अपने घरों में बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए तो ये रोज का होता होगा ना यहाँ से नजारे वगैरह देखना। वी आर एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। इस बूंदाबांदी अब थोड़ी सी तेज होने लगी है अनफॉर्चुनेटली, थोड़ी सी नहीं बहुत तेज होने लगी है ब्रो। ओह माय गॉड, आई थिंक आई शुड वेयर माय रेन गियर। मुझे लग रहा है लगाऊंगा। चाचा क्या बना चाय बनाए की कुछ क्यों है? चलो ठीक। गाइस Look at the view in front of me. देखिए कितना ज़्यादा बेहतरीन व्यू है यहाँ पे guys. Absolutely awesome and absolutely majestic. Assalamualaikum. तुझे ठीक भाई? तो guys यहाँ पे हम लोग एक स्पॉट पे रुके हुए हैं और इस स्पॉट पे हम लोग चाय पी रहे हैं। मेरे साथ नज़ीर भाई और what's your name bro? फरहान भाई है। तो चाय हम enjoy कर रहे हैं। चाय के साथ क्या है ये guys? This is bread pakoda, right? Bread pakoda.
तो जल्दी से चाय फिनिश करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम आपको मिलते हैं बाइक पे। तो गाइज थोड़ा सा यहाँ से रिस्की रोड है भाई, आई जस्ट होप कि मैं कहीं पे स्लिप वगैरह ना हो जाऊं। ओके टफ पार्ट जो है आई थिंक हमने पीछे छोड़ दिया है ना, थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि वापस कैसे चढ़ेंगे हम लोग। ब्रो बट द व्यू इज जस्ट एब्सोल्युटली स्टनिंग, एब्सोल्युटली फैब। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया होगा ऐसा लग रहा है मेरे को। इसे निकालो ना, उंगली से निकालो। शिमो शिमो द्राव 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 काटना काटो ना, बस भाई साहब क्या बेहतरीन व्यू। आई थिंक वी हैव अराइव्ड। 7.5 मीटर ब्रिन वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज राइट ओवर हियर। वाओ ऑसम, सामने से क्या बढ़िया व्यू है ब्रो, क्या बढ़िया व्यू है सामने से। ठीक यहाँ से मतलब व्यू गाइस, द व्यू इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। यहाँ कैंप करने में क्या नेक्स्ट लेवल मजा आएगा ब्रो। क्या टेंट जरूरी साहब, देखो व्यू क्या है यहाँ से, कहाँ व्यू यहाँ पे, क्या मजा आता कैंप करने में। Okay guys, we have finally arrived. तो guys, finally हम लोग इस hydroelectric project के नजदीक पहुंच चुके हैं और तो project यहां से दिख नहीं रहा, लेकिन जो view है, the view is just absolutely stunning. देखिए, as you guys can see, कितना बेहतरीन सा view है. Wow, it's looking absolutely stunning. सामने नदी भी बह रही है, थोड़ा भी जो पानी है इसका ये ज़्यादा साफ़ नहीं है। ये इसीलिए साफ़ नहीं है क्योंकि बारिश हो रही थी ना काफ़ी टाइम से। बट लुक एट द व्यू गाइस, द व्यू इज जस्ट एब्सोल्युटली स्टनिंग। वो वहाँ पे मेरे सामने जो आप वो घर देख रहे हैं, उस घर के अंदर ही ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यहाँ से दिखेगा नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स अ वेरी ऑसम प्लेस फॉर कैंपिंग एज वेल। अगर आप लोग कैंपिंग आना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे कैंपिंग भी आ सकते हैं। The views are absolutely stunning. I hope you guys enjoyed today's video. If you guys enjoyed today's video, make sure to give it a thumbs up, like, share and subscribe. And I'll catch you guys in the next one. Till then, take care. Assalamu alaikum.